प्रयागराज से माधव मिश्रा जी। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, मैं रामानुज संप्रदाय से दीक्षित हूँ, क्या राधा रानी को प्रेम प्राप्त कर सकता हूँ? क्योंकि आंतरिक समर्पण उन्हीं में है। हाँ, क्या करें? जहाँ आंतरिक मति होती है वही गति होती है। अगर आप राधा राधा रटेंगे और श्री जी के चरणों में चिंतन वृत्ति रखेंगे, उनके चरणों का आश्रय लेंगे, तो वहीं पहुंच जाएंगे। जितने भी संप्रदाय हैं सब प्रभु के ही है ना। तो मान लो रति हो रही है राधा रानी चरणों में, तो वही प्रभु कृपा करके रति दे रहे हैं ना। तो बाहर से ऐसे ही रहे, अंदर अंदर अंदर, तो बात अंदर की है। अंदर जहाँ प्रीति करोगे वहीं तुम्हारी उपस्थिति मानी जाएगी। जैसे बाहर से हम बाबा जी हैं और प्रीति करें भोगों में, तो हम संसारी पुरुष हैं, और वो संसार में है प्रीति करता भगवान में, महान भक्त है। अंदर की प्रीति की ही स्थिति मानी जाती है, बाहर की नहीं। बाहर से हम वृंदावन में, अंदर से चिंतन करें दिल्ली कलकत्ता विषयों का, हमारी स्थिति वृंदावन में नहीं मानी जाएगी। और आप दिल्ली कलकत्ता में रहे हो, लेकिन आपको एक गम है, मुझे वृंदावन वास कब मिलेगा, मैं तो बहुत दूर हूँ, और बार बार वृंदावन के लिए तड़प रहे, चिंतन करें, तो आपकी वृंदावन में स्थिति मानी जाएगी, उपस्थिति वृंदावन की मानी जाएगी। तो अंदर से प्रियाजू का चिंतन कर रहे हैं राधा किशोरी का, तो आप राधा किशोरी के उपासक माने जाएंगे, और जिसकी उपासना करते हैं उसी उपास्य देव की हमें अनुभूति होती है, क्योंकि भगवान तो है ना। हम जो भावना कर, ये था माम प्रपद्यन्ते तास्त भजाम में, हम आप श्री जी के भाव से भजोगे वो श्री जी के भाव से मिल जाएंगे। समझ रहे?